सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर वर्ष दीपावली के अवसर पर चाइना से हमारे देश में 3,000 से 4,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य सामान आता है, जिसका हम भरपूर उपयोग करते हैं। जो 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए हमारे देश से चाइना में जाते हैं, उनसे उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उस पैसे से उस देश के सैनिकों का लालन पालन होता है। या इनडायरेक्ट रूप से कहूँ तो मैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाइना को 5 गोलियां प्रदान कर रहा है, भेंट कर रहा है, जिन गोलियों का इस्तेमाल वो हमारे सैनिकों के विरुद्ध करता है, हमारे देश के विरुद्ध करता है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे देश में आता है चाइना से, इस पर सरकार बैन नहीं लगा सकती। ये एक इंटरनेशनल समझौता है, इसके साथ और भी समझौते जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार बाध्य है, मजबूर है, वो इस पर बैन नहीं लगा सकती। अब निर्धारित हमें करना है कि हमारे पैसे हमारे देश में रहें या चाइना में जाएँ। इससे वो हमारे देश के विरुद्ध युद्ध की रणनीतियाँ बना रहा है, हमारे पैसों से उनकी सेना का लालन पालन हो रहा है, वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अब की बार चाइना का सामान नहीं खरीदना है दीपावली के अवसर पर, स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल करना है, स्वदेशी सामान खरीदना है, और हमारा पैसा हमारे देश में ही रहना चाहिए, जिससे हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति बढ़े, और जो रुपये का मान है, जो वैल्यू है रुपये की, वो बढ़े। अभी 63 रुपये बराबर $1 है, इसी कारण से वो घट रही है, क्योंकि हम विदेशी सामान का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप अब की बार चाइना का सामान का यूज़ न करें, चाइनीज़ आइटम का यूज़ न करें इस दीपावली पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।